राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढहने से कई लोगों के दबने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सब्जी मंडी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढह गई। यह इमारत काफी पुरानी थी, भारी बारिश के चलते ये इमारत ढह गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें कई लोग दब गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 7 और 12 साल है, जबकि एक व्यक्ति को सिर में गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस मामले में एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा, अब तक 50% रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। इमारत में फंसे लोगों की जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डिंग के नीचे दुकानें थीं और ऊपर की मंजिलों में लोग रह रहे थे। बिल्डिंग गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश के चलते ये बिल्डिंग गिर गई। ये इमारत करीब 100 साल पुरानी बताई जा रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने इस हादसे से सबक लेते हुए कहा है कि खतरे वाले भवनों को चिन्हित किया गया है, जांच करके उन्हें खाली कराया जाएगा, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल्डिंग का रेनोवेशन का काम चल रहा था। हादसे के समय कई मजदूर अंदर काम कर रहे थे। इस बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल पर कई परिवार भी रहते थे, जबकि नीचे दुकानें थी। तंग गलियां होने के चलते बचाव दल को घटना स्थल पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना पर दुख जताते हुए कहा है कि दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में इमारत गिरने का हादसा बेहद दुखद है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। जिला प्रशासन के माध्यम से मैं खुद हालात पर नजर बनाए हुए हूँ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें।